महाराष्ट्र में झारखंड के शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा गठबंधन पार करेगा और झारखंड में गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। ये जनादेश स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है, जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो और इसी तरह गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाली, विघटन करने वाली शक्तियां लगातार हार रही है और जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे विवेकहीन नेता के नेतृत्व को जनता ने 3 दर्जन बार पहले ही नकारा है, आज फिर नकारा है। महाराष्ट्र व झारखंड के शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा गठबंधन पार करेगा और झारखंड में गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। यह जनादेश स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है, जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो और इसी तरह गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाली, विघटन करने वाली शक्तियां लगातार हार रही है और जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे विवेकहीन नेता के नेतृत्व को जनता ने 3 दर्जन बार पहले ही नकारा है, आज फिर नकारा है।